हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 3, राजकीय आय। इस राजकीय आय वाले टॉपिक के बहुत सारे आंकड़े हम हमारे पिछले वीडियो पे कवर कर चुके हैं। हमारा जो पिछला वीडियो था छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 पार्ट 4, जिसमें हमने अध्याय 1 आर्थिक स्थिति एक समीक्षा वाला टॉपिक कवर किया था, उस वीडियो में हमने इस राजकीय आय के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा उसमें कवर किए हैं। जैसे एक टेबल के फॉर्म में हमने कवर किया था कि छत्तीसगढ़ में सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रतिशत वृद्धि, और दो पाई चार्ट के द्वारा हमने छत्तीसगढ़ में सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी, ये दो टॉपिक हम उसमें कवर कर चुके हैं। उसी टॉपिक से और किस तरीके के प्रश्न थोड़ा डीप लेवल पर जाकर के अगर पीएससी और व्यापम पूछ चाहे तो किस प्रकार के प्रश्न उससे बन सकते हैं, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है आपका जीएसडीपी। जीएसडीपी या जीडीपी, जीडीपी होता क्या है? जीडीपी किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त पैमाना होता है आपका जीडीपी। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, ये जीडीपी वाले डाटा पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उसको एक बार और देख लीजिए। जीएसडीपी मीन्स सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर मतलब आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर। और दूसरा है आपके प्रचलित भाव पर या प्रचलित कीमतों पर, यानी वर्तमान बाजार में प्रचलित मूल्यों के आधार पर। देखिए जीडीपी का आकार, अभी वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ का जीडीपी का आकार स्थिर कीमतों पर है 227,866 करोड़ रुपए, यानी 227,866 करोड़ रुपए, जबकि प्रचलित कीमतों पर है आपका 291,681 करोड़ रुपए, यानी 291,681 करोड़ रुपए। ये है आपके जीडीपी का आकार। अब इसमें हुई प्रतिशत वृद्धि, स्थिर कीमतों पर जीडीपी में हुई वृद्धि वर्ष 2017-18 में स्थिर कीमतों पर है 6.65% और प्रचलित कीमतों पर है 11.22%, यानी 6.65% स्थिर भाव पर या स्थिर कीमतों पर, 11.22% प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, ये दोनों आंकड़ों को याद रखिएगा। प्रश्न किस तरीके से बनेंगे, छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में स्थिर भाव पर विकास दर रहा या जीडीपी वृद्धि दर रही, एक स्थिर भाव से पूछेगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में प्रचलित कीमतों पर विकास दर रहा या जीडीपी वृद्धि दर रही, तो जीडीपी वृद्धि दर 6.65% स्थिर कीमतों पर, 11.22% प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई पर कैपिटा इनकम 2017-18। प्रति व्यक्ति आय से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले साल व्यापम में एक प्रश्न पूछा गया था, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है, जिसका आंसर है प्रति व्यक्ति आय। देखिए इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था, ए सकल घरेलू उत्पाद, बी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सी प्रति व्यक्ति आय, डी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें मैक्सिमम गलतियां क्या होती है, हम लगाते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, लेकिन याद रखिएगा यदि आपसे पूछा जाए किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सबसे उपयुक्त मापक है तो उसमें लगाइएगा जीडीपी, लेकिन किसी भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापक है पूछा जाए तो उसमें लगाइएगा प्रति व्यक्ति आय। देखिए अब प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर, छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर है 80,280 यानी 80,280 रुपये, जबकि प्रचलित कीमतों पर है छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय 92,035 यानी 92,035 रुपये। ये दोनों आंकड़े याद रखिएगा। ये स्थिर भाव से इस साल सीजीपीएससी प्री का एक प्रश्न पूछा गया था और जो सबसे ज़्यादा विवादित भी रहा, तो ये स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर, ये दोनों आंकड़ों को एकदम स्पेशली याद रखिएगा, और जब प्रश्न आए तो ध्यान से देख के लगाइएगा कि आंकड़ा जो है वो स्थिर कीमतों पर पूछा जा रहा है कि प्रचलित कीमतों पर पूछा जा रहा है। जैसे इस साल के पीएससी का जो प्रश्न रहा, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2011-12 के स्थिर कीमतों के आधार पर वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गई, तो उसमें पूछा गया था आपका वर्ष 2016-17 का। तो देखिए वैसे ही प्रश्न पूछा जाएगा आपको 2017-18 के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य का वर्ष 2011-12 के स्थिर कीमतों के आधार पर वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है, तो उसमें लगाइएगा स्थिर कीमतों पर पूछा है यानी 80,280 रुपये। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का वर्तमान बाजार में प्रचलित मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है, तो उसमें लगाइएगा ये 92,035 यानी 92,035 रुपये। ठीक है, दोनों प्रश्नों में ध्यान देकर लगाइएगा कि स्थिर कीमतों पर पूछ रहा है कि प्रचलित कीमतों पर पूछ रहा है। नेक्स्ट, ये एक इस ये वाले परसेंटेज को याद रखिएगा, ये परसेंट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के प्रति व्यक्ति आय में
पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में 9.22% की वृद्धि हुई है, यानी 2016-17 में जो प्रति व्यक्ति आय था उसकी तुलना में वर्तमान में जो प्रति व्यक्ति आय है आपका 92,035 रुपये, उसमें 9.22% यानी 9.22% की वृद्धि हुई है। ठीक, अब देखिए कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट होगा, यदि आपसे स्थिर कीमतों पर पूछा जाए और प्रचलित कीमतों पर पूछा जाए तो आप डायरेक्ट ये आंकड़े लगाइएगा जो मैंने आपको प्रश्न बताया है उस पर ध्यान दीजिएगा। अब यदि प्रश्न आपको इस ऐसे कथन के फॉर्म में दिया, डायरेक्ट ये जो मैंने तीन नीचे कथन लिखे हैं उस कथन के फॉर्म पे अगर आपसे प्रश्न पूछा तो उसे भी थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर है, ठीक है, ये कौन सा आंकड़ा है, ये वाला, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर है 80,280 यानी 80,280 रुपये। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर है, प्रचलित कीमतों पर ध्यान दीजिए ये आंकड़े को, 1,02,762 रुपये, 1,02,762 रुपये। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सकल, यहाँ भी लिखा हुआ है आपका सकल, लेकिन ये जो हमने लिखे हैं आंकड़े ये प्रचलित कीमतों पर, ये है आपका ये निवल वाला, निवल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, आगे समझ लीजिए फिर बताता हूँ आपको। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों के आधार पर है 92,035 रुपये, 92,035 रुपये, ये वाला आंकड़ा है, लेकिन यहाँ क्या है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP, निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी NSDP। ये होता क्या है इसको आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ मैं। देखिए ये जो प्रश्न दिए गए हैं तो यदि आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 2017-18 में है तो उसमें लगाइएगा 80,280 रुपये स्थिर कीमतों के आधार पर। प्रचलित कीमतों के आधार पर यदि आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय है तो 92,035 रुपये, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत वृद्धि हुई है तो उसमें 9.22%। लेकिन यदि प्रश्न में आपको कहीं पर भी ये देखने के लिए मिला जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों के आधार पर, तो उसमें ये वाले आंकड़े लिखिएगा, यहाँ गलतियाँ होंगी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि कहाँ पर सकल है कहाँ पर निवल है। अगर आप इन कथनों के आधार पर चलेंगे तो ये वाला जो कथन है ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों के आधार पर है, जबकि ये निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों के आधार पर है। ठीक, डायरेक्ट प्रश्न पूछा तो बिना कन्फ्यूज़न के इसे लगाइएगा, यदि कथनों के आधार पर पूछा छत्तीसगढ़ राज्य प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों के आधार पर 80,280, छत्तीसगढ़ राज्य प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों के आधार पर पूछे तो 1,02,762 रुपये, छत्तीसगढ़ राज्य प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों के आधार पर 92,035। ठीक है, तो कथनों के आधार पर ये सारे आंकड़े, डायरेक्ट पूछा जाए तो इन दोनों पे फोकस कीजिएगा। ठीक, अब देखिए निवल राज्य घरेलू उत्पाद होता क्या है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद, यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GDP में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो आपको प्राप्त होगा निवल राज्य घरेलू उत्पाद NDP, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए इसे एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए एक रिक्शा वाला दिन में रिक्शा चलाकर कमाता है आपका 100 रुपये, तो 30 दिन में उसकी कमाई कितनी होगी, 3,000 रुपये। ठीक है, 30 दिन में वह 3,000 रुपये कमाता है, यानी उसकी मंथली GDP कितनी हुई आपकी, 3,000 रुपये। तो ये है आपका GDP, उस रिक्शे वाले की GDP है आपका 3,000 रुपये, लेकिन उस एक महीने के दौरान उसके रिक्शे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आया, मान लीजिए उसका टायर पंचर हो गया, उसको बनाने में लग गया उसको एक बार में 60 रुपये, सेकेंड बार में कुछ उसके चैन का प्रॉब्लम आया, ब्रेक का प्रॉब्लम आया, उसको बनाने में लग गया 60 रुपये। तो देखिए इसको बनाने में जो उसको मूल्य खर्चा हुआ, पहले बार में 60 रुपये, दूसरे बार में 40 रुपये, तो कितना हो गया टोटल,
60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 रुपये, ठीक है। तो जो उसका जीडीपी है, उसका जीडीपी है आपका मंथली बेसिस पे 3000 रुपये। उसमें जो अपने रिक्शा के मेंटेनेंस में उसने जो खर्चा किया वो है आपका 100 रुपये। तो उसका निवल राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी कितना होगा, 3000 माइनस 100 रुपये यानी 2900 रुपये होगा उसका एनडीपी। अब इसे डेफिनेशन से समझिए, जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अब ये एनडीपी क्या होता है, देखिए एनडीपी सकल घरेलू उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया में लगे या उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीनों तथा पूंजी के मूल्य में आई कमी को जीडीपी से घटा दिया जाए तो आपको प्राप्त होगा एनडीपी, मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया उसमें मूल्यह्रास, मूल्यह्रास क्या है, जीडीपी उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों और पूंजी के मूल्य में आई कमी, मशीनों और पूंजी के मूल्य में आई कमी मूल्यह्रास कहलाता है। तो उस मूल्यह्रास को यदि आप जीडीपी से घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा एनडीपी। जैसे रिक्शा वाले का मंथली इनकम या जीडीपी है आपका 3000 रुपये, मूल्यह्रास 100 रुपये, मूल्यह्रास यानी मशीन रिक्शा है उसका मशीन यानी जीडीपी के उत्पादन लागत में प्रयुक्त मशीनों और पूंजी के मूल्य में आई कमी। तो देखिए वो अपने जीडीपी के कमाई में रिक्शा वाला लगा रहा है क्या अपने मशीन यानी रिक्शा को, तो उसके मेंटेनेंस पर जो उसने खर्चा किया वो हो गया इसका मूल्यह्रास। तो उस मूल्यह्रास को यदि आप जीडीपी से घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा निवल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो आंकड़ा है ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्थिर भाव के आधार पर है, जबकि ये वाला जो आंकड़ा है निवल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भाव के आधार पर है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, यदि प्रश्न डायरेक्ट पूछा तो आप ये दोनों आंकड़ों को टिक कीजिएगा, यदि आपको ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा या प्रश्न में कहीं पर भी ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है उसको प्रश्न में कहीं पर भी यदि आपने मेंशन देखा या कहीं पर भी लिखा हुआ देखा तो आप इन आंकड़ों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी उद्योग समूह में प्रक्षेत्र प्रतिशत वृद्धि, देखिए ये है क्या, जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो अध्याय एक आर्थिक स्थिति एक समीक्षा टॉपिक में एक टेबल हमने देखा था जिसमें था आपका छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रतिशत वृद्धि, जिसमें हमने कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में स्थिर कीमतों के आधार पर और प्रचलित कीमतों के आधार पर देखा था। उसे मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ, ये देखो स्थिर कीमतों के आधार पर कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में 2.8%, उद्योग क्षेत्र में 5.8%, जबकि सेवा क्षेत्र में आपका 9.4% की वृद्धि हुई थी स्थिर कीमतों के आधार पर, जबकि प्रचलित कीमतों के आधार पर हुआ था आपका कृषि क्षेत्र में 14.3%, उद्योग क्षेत्र में हुआ था आपका 7.5%, जबकि सेवा क्षेत्र में हुआ था आपका 12.7%, ठीक है। तो ये आंकड़े मैंने आपको पिछले बार बताए थे। तो ये जो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का स्थिर कीमतों के आधार पर और प्रचलित कीमतों के आधार पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। अब देखिए जीडीपी के प्रमुख घटक है आपके कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, लेकिन इस कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रक्षेत्र या बहुत सारे घटक शामिल होते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल प्रक्षेत्र है आपके वानिकी, उद्यानिकी, मछली पालन, पशुपालन, फसलें, ये कृषि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल प्रक्षेत्र है। वैसे ही उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति, ये सारे के सारे आपके उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। वैसे ही आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल, परिवहन, रेलवे, लोक प्रशासन, वित्तीय सेवाएं, ये सारे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल प्रक्षेत्र है। तो ये जो शामिल प्रक्षेत्र है विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न आपके जीडीपी के जो प्रमुख घटकों के अंतर्गत जो शामिल प्रक्षेत्र है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में उसे मुख्य बिंदु पर थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी में उद्योग समूह यानी कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के प्रक्षेत्र में हुई प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है, उस टेबल में सर्वाधिक वृद्धि और न्यूनतम वृद्धि किस प्रक्षेत्र में हुई उसको बताता हूँ। जैसे ये पहले नंबर पे स्थिर कीमतों के आधार पर, स्थिर कीमतों के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि आपका संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित जो प्रक्षेत्र है उसमें लगभग 17% की वृद्धि हुई, जो कि
पूरे के पूरे प्रक्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी क्षेत्र में हुई है। ये जो है आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि हम प्रक्षेत्रों में बात करें तो प्रक्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि संचार एवं प्रसारण सेवाओं से संबंधित क्षेत्र या प्रक्षेत्र में लगभग 17% की वृद्धि हुई। सबसे न्यूनतम वृद्धि वानिकी, ये वानिकी शामिल है आपके कृषि क्षेत्र के अंतर्गत या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, इसमें 0.94% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये दोनों को परसेंट के साथ याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, मुख्य बिंदु में शामिल है ये। स्थिर कीमतों के आधार पर वर्ष 2017-18 में संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित प्रक्षेत्र में 17% जो कि सर्वाधिक वृद्धि है, जबकि न्यूनतम वृद्धि है वानिकी में 0.94%। ठीक, अब है प्रचलित कीमतों के आधार पर, प्रचलित कीमतों के आधार पर भी सेम संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित प्रक्षेत्र में 19% की वृद्धि हुई है, जबकि खनन तथा उत्खनन प्रक्षेत्र में 3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये प्रक्षेत्र वाले को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो आपका संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित जो प्रक्षेत्र है ये आपके तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, वानिकी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, जबकि खनन उत्खनन आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल यानी उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत इसे काउंट किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ का GSDP में प्रक्षेत्र भागीदारी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पिछले वीडियो में ये टॉपिक कवर कर चुके हैं जिसमें हमने पाई डायग्राम पढ़ा था छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी। तो देखिए मैं उसको एक बार फटाफट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है स्थिर कीमतों के आधार पर सर्वाधिक भागीदारी है आपके उद्योग क्षेत्र की लगभग 47%, सेकेंड नंबर पर सेवा क्षेत्र लगभग 35% और तीसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र लगभग 17%। अब प्रचलित कीमतों के आधार पर, प्रचलित कीमतों के आधार पर भागीदारी सर्वाधिक है उद्योग क्षेत्र की 41%, सेकेंड नंबर पर है आपका सेवा क्षेत्र लगभग 36% और तीसरे नंबर पर है आपका कृषि क्षेत्र लगभग 22%। ठीक है, तो ये थे आपके विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी GDP में। तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि कृषि क्षेत्र को यदि हम सेपरेट करें तो वो कई प्रक्षेत्रों में बढ़ता है, फसलें, पशुपालन, मछली पालन, उद्यानिकी, वानिकी। तो वैसे ही प्रक्षेत्र यदि सबको हम इंडिविजुअल सेपरेट करें तो सबके प्रक्षेत्रों में यदि हम देखें कृषि क्षेत्र के प्रक्षेत्र, उद्योग क्षेत्र के प्रक्षेत्र और सेवा क्षेत्र के प्रक्षेत्र, इन ओवरऑल में यदि हम देखें तो देखिए स्थिर कीमतों के आधार पर सर्वाधिक छत्तीसगढ़ के GSDP में सर्वाधिक भागीदारी रही उद्योग क्षेत्र के विनिर्माण क्षेत्र की। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है आपका विनिर्माण क्षेत्र जिसका छत्तीसगढ़ के ओवरऑल GSDP में सर्वाधिक भागीदारी है लगभग 19%। सबसे कम भागीदारी या न्यूनतम भागीदारी है स्थिर कीमतों के आधार पर भंडारण, ये शामिल, ये भंडारण शामिल है आपका सेवा क्षेत्र में लगभग 0.8%। वैसे ही प्रचलित कीमतों के आधार पर, प्रचलित कीमतों के आधार पर विनिर्माण ओवरऑल GSDP में या ओवरऑल छत्तीसगढ़ के GDP में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी है सर्वाधिक लगभग 15%। परिवहन क्षेत्र की भागीदारी है सबसे न्यूनतम 0.08%, ये परिवहन भी है आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये वाला पॉइंट है जिसमें आपके आर्थिक सर्वेक्षण में अलग से हाईलाइट करके दिया है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011-12 के स्थिर कीमतों के आधार पर संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित प्रक्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि रही जबकि वानिकी प्रक्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि रही। तो जब ये मुख्य बिंदु में शामिल है और इससे प्रश्न बनने की संभावना है तो उसी से रिलेटेड मैंने ये वाला टेबल तैयार किया है। देखिए इससे प्रश्न क्या बनेगा, स्थिर कीमतों के आधार पर छत्तीसगढ़ के GDP में सर्वाधिक भागीदारी किस क्षेत्र की रही। तो उसमें आपको ऑप्शन में ये नहीं देगा कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उसके अंतर्गत इनके प्रक्षेत्रों से आपको ऑप्शन दे सकता है। जैसे पहले नंबर पर देगा विनिर्माण, दूसरे पर परिवहन, तीसरे पर भंडारण, चौथे नंबर पर वित्तीय सेवाएं, पांचवें नंबर पर उद्यानिकी, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन आपको दे देगा। हम तो पढ़े रहेंगे कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, लेकिन वो इसके प्रक्षेत्र से भी ऑप्शन उठा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में यदि आपका डायरेक्ट शामिल हुआ कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र तो सर्वाधिक भागीदारी सभी में सीक्वेंस वही है, स्थिर कीमतों के आधार पर और प्रचलित कीमतों के आधार पर। सर्वाधिक में है आपका उद्योग, सेकंड नंबर पर है सेवा, तीसरे नंबर पर है कृषि, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। लेकिन यदि आपके उसके ऑप्शन में प्रक्षेत्रों से यदि प्रश्न बनाता है वो, तो प्रक्षेत्रों पर इसे लगाइएगा, सर्वाधिक निर्माण में है, न्यूनतम भंडारण में है, स्थिर कीमतों के आधार पर, प्रचलित कीमतों के आधार पर, सर्वाधिक विनिर्माण, न्यूनतम आपका परिवहन। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा इसे देखिएगा,
कि प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है। प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा तो प्रति व्यक्ति आय वाले में इससे डायरेक्ट लगा दीजिएगा। यदि कहीं पर भी आपको प्रश्न में ये लाल कलर से जो मैंने लिखा है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों के आधार पर, निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों के आधार पर, यदि प्रश्न में कहीं पर भी इन चीज़ों को मेंशन किया तो आप उसमें ऑप्शन में इन तीनों को ढूंढिएगा कि उसमें पूछ क्या रहा है, और देख करके ही उस प्रश्न के सही आंसर लगाइएगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे अध्याय 3 राजकीय आय वाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है और हमारे फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक कीजिए या उसमें ज्वाइन हो जाइए। आप हमारे फेसबुक पेज में भी जा करके किसी भी तरीके का डाउट हमसे कमेंट करके वहाँ पर ही पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।